सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं एम्स राव और बरेली के यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ चुका है आप सबके लिए, जो कि एमओ का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आई एफ देख लेते बिना कोई टाइम वेस्ट करें इस एम्स के रिक्वायरमेंट को क्या खास आप सभी के लिए आया हुआ है। तो ऑप्शन फीस की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए साफ साफ लिखा है 2360 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी रहेगा। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए आप सभी देख सकते हैं 1180 रुपये देखने को मिला है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट आपका 22/8/2024 रहने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो आप सभी देख सकते हैं एज लिमिट आपका 58 ईयर 50 ईयर यहाँ पे रहने वाला है। तो आप सभी देख सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस में आपका सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस मंगेगा ही मंगेगा। ठीक, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी एलिजिबल रहेंगे वो अप्लाई ज़रूर करें, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लें, अपना डाउट क्लियर कर लें क्या रह गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपका मेडिकल में MBBS हो या MS MD आपने किया तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे क्वालिफिकेशन के मामले में। बाकी टोटल पोस्ट 100 के आसपास आया है। सैलरी की बात करें तो 1.5 से 2 लाख आप सभी का सैलरी हो सकता है, जो कि आप सभी देख सकते हैं एडिशनल प्रोफेसर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया है। ठीक है, सो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप लोग नोटिफिकेशन से अपना डिटेल देख लेंगे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू के बेस में होगा, बाकी आप लोग नोटिफिकेशन से पूरी तरह से अपना डाउट क्लियर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करें और अपना एक पोस्ट सिक्योर करें एम्स में।